नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बिल्कुल मजे में यार। और कुछ टाइम पहले की बात है जब हलमती हबीबो आया था सॉन्ग और हमने उसको लिरिकल देखा था, बिल्कुल अरेबिक टच था उसका। अरेबिक टच था, क्या वीडियो थी उसकी। और हमारा वायरल हो गया था। हाँ, पूरी मतलब दुनिया में वायरल हो गया था, उसकी रील्स बन रही थी। अब रंजीत हमें आ गया है, कल इसका हमने टीजर देखा। अगर आपने टीजर नहीं देखा ना, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमेशा वो पहले ही होते हैं, तो वो टीजर आप यहाँ पे लिंक आ जाएगा, जरूर देखिएगा। आज इसका लिरिकल आ गया, तो हमने कहा था जैसे ही आता है हम इस पर रिएक्शन देंगे। आई होप हमें अच्छे अच्छे विजुअल्स भी बीच में देखने को मिले। लिरिकल में ये होता है बेसिकली कि लिरिक्स आ रहे होते हैं लेकिन बीच में कुछ कुछ वीडियो आ रही होती है। तो हमारे थलापति विजय हैं इसमें, रश्मिका मंदाना है और वंशी पदिपली की फिल्म है, थमन का म्यूजिक है। तो रंजीत हमें सॉन्ग का नाम है, आपने अभी तक हमें रंजीत हमें का मतलब नहीं बताया, वो काइंडली बताइएगा। गाया थलापति विजय ने ही है, तो देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। ऐसा म्यूजिक शादी टाइप माहौल का लग रहा है, ढोलक शोलक शहनाई। फास्ट लग रहा है। हाँ ये ना बीन एंजॉय कितना करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत मेहनत जाती है डांस में। रेड कार्पेट देखो किस तरह। हाँ, थलापति विजय। கட்டுமல்லி கட்டி வச்சா, வட்ட கருப்பு பொட்டு வச்சா, சந்திரனில் இருந்து வச்சா, சாரப்பாம்பு இடுப்ப வச்சா, நட்சத்திர தொட்டி வச்சா, கரும்பு தோடு நத்தி வச்சா, இஞ்சி வெட்டி கண்ணம் வச்சா, இம்மா தூண்டு வெக்கம் வச்சா, நெத்தி பொட்டில் என்ன தூக்கி பொட்டு போல வச்சா மொல, சுத்து பட்டு உர பார்க்க கண்ணு பொட்டு வந்த மொல, தெத்து பல்லு உரத்தில குச்சி கட்டு நேரத்தில பட்டு सिंगर लग रही हैं, लेडी सिंगर। वो पीछे मंदिर देखा है। लिरिक्स बाय विवेक, सिंगर थलापति विजय और एमएम मानसी। मानसी वो गा रही थी ना। अच्छा, ये मूवी के जब लॉन्च हुई थी तब की पिक्चर या गाने के सेट ही है। हाँ, सेट पे। हाँ, मस्ती जो चल रही है। ये देखा कितने मजे से वो लटकाई हुई है पिक्चर। सॉन्ग हाँ, और शर्ट देखा कितनी वो दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है। மாமா, உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுமே, அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற ஏக்கே போலே நா மாமா இஸ்ரகர் கட்டு மலி கட்டி வச்சா,
ओह ढोल फास्ट हो गए। तेज हो गए कमल सारे है ना किसी ट्रक हाँ, में किसी गाड़ी म्यूजिशियंस आ गए। हाँ अमेजिंग यार, मतलब जो एंड में एक बीट आई ना फास्ट। अब आप देख सकते हैं कि फ्लूट ढोल और शहनाई का मिक्सचर है और एंड में किस तरह से वो उठा ना गेम। अच्छा शादी का माहौल लग रहा है कि ढोल पर ढोलकी पड़ी है फ्लूट पड़ी है। अच्छा लेकिन शादी का है नहीं, है नहीं असल में, लेकिन शायद किसी मौका पर ये इन्होंने डांस किया और शादी के। रश्मिका की थलीपति जो विजय ना उनकी आपस में कपल अच्छा लग रहा है। हाँ कुछ लोग कुछ हीरो हीरोइंस होते हैं आपस में सूट नहीं कर रहे होते, ये दोनों सूट कर रहे हैं। और जब वो रंजित हमें खासतौर पे स्टार्ट होता है ना रंजित हमें, अच्छा पहले तो उनको कुछ यूं करके ना इस तरह कुछ करते हैं और उसके बाद फिर ये कुछ स्टेप है, तो हुक स्टेप्स थलापति विजय के सॉन्ग्स के मुझे हमेशा बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। प्लस गाया खुद है, लोग बता रहे थे 28-29 गाने गा चुकी हैं थलापति, ये शायद 29वां है या 30वां है। और जो लेडी सिंगर है उनको भी दिखाया और सब म्यूजिशियंस को जिस तरह से लेके आए ना गाड़ी पे फिर ट्रक पे आ रहे थे, थमन भी थे लेडी सिंगर जो थी एमएम मानसी, थलापति विजय का जो डांस है हाँ, और बीच में बीटीएस भी हमको दिखा रहे हैं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। तो एक कितनी मेहनत एक लिरिकल पे सिर्फ है तो सोचें पूरे गाने मूवी पे कितनी होती होगी। और थलापति और रश्मिका ने वो बहुत मज़ेदार डांस किए, खासतौर पर हुक स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा और चेहरे पर वो मस्ती और साथ ही साथ वो एक कलरफुल सी जो है ना फंकी सी टी शर्ट। और गाने का मतलब क्या है मैं जरूर बताइएगा। एक जगह रश्मिका उनको बोलती है मामा इस तरह कुछ कर, वो पता नहीं क्या कन्वर्सेशन हुई थी वो भी हमें बड़ा सबटाइटल होते तो समझ आ जाती। खैर जैसा सोचा था उससे मज़ा आया है सुनने में और देखने में भी। आप बताएं आपके क्या ख्याल थे, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे हम लोग, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।